नमस्कार। तो आज आप डीपली असम फुटबॉल के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है असम एक ऐसा स्टेट जहां पे फुटबॉल का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ साल देखें तो वहां पर फुटबॉल के रिगार्डिंग कुछ काम ज्यादा देखने को मिला नहीं है और कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें भी नहीं आपको सुनने देखने को मिली है। लेकिन लास्ट ईयर ही वहां पर न्यू सेक्रेटरी वहां पर अपॉइंट हुए, डॉक्टर सांगरंग ब्रह्मा जी, जो कि काफी विजनरी है, काफी विजन्स लेकर आए हैं और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि काफी चीजें उन्होंने इस दौरान बदली भी है, कुछ चीजें नई लेकर आए वो है और आगे भी कुछ कुछ चीजें लेकर आने वाले हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि असम फुटबॉल का क्या फ्यूचर होने वाला है, आगे 5 सालों में हम असम फुटबॉल को कहां पर देखने वाले हैं और क्या असम फुटबॉल भी एक पावर हाउस बन पाएगा इंडियन फुटबॉल के लिए। तो आप इस वीडियो को असम के एक एक फुटबॉल लवर्स तक, एक एक फुटबॉल फैन तक, कोच तक, रेफरी तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो असम फुटबॉल का फ्यूचर को जान सके और वैसे ही मेहनत कर सके। और साथ ही साथ आप भारत के सभी फुटबॉल फैंस तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान पाए कि अदर स्टेट में असम में कैसे काम होने वाला है और वो अपने स्टेट में भी किस तरह से काम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा जरूर और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, अपने अपॉर्चुनिटी दी हमको कि हम आपसे बात कर पाएँ। और सर, कैसे आप? सबसे पहले मैं ठीक हूँ, और आप यहाँ पे आया है जी मुझसे मिलने के लिए, तो आपको मोस्ट वेलकम टू असम। थैंक यू मोस्ट वेलकम टू असम। सर, आज हमारी पूरी चर्चा जो है वो असम फुटबॉल भी होने वाली है, कि असम में फुटबॉल के लिए क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सर, अगर हम असम फुटबॉल की तरफ देखते हैं तो पोटेंशियल की कमी नहीं है और ट्रेमेंडस टैलेंट्स हैं यहाँ पर। अगर नेशनल लेवल पे भी देखें तो काफ़ी प्लेयर्स नाम निकल के आए हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि असम फुटबॉल में क्या हो रहा है या हुआ है, तो सर लास्ट एक डिकेड से कह सकते हैं कि यहाँ पर सीनियर लीग जो थी असम फुटबॉल लीग वो बंद थी, लेकिन आप एज अ सेक्रेटरी आते हैं, एक रिवाइवल लेकर आए, तो सर इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कैसे ये हुआ। एक्चुअली मैं बाय एक्सीडेंट असम फुटबॉल में सेक्रेटरी बना हूँ, तो आफ्टर दैट मेरा तुरंत बनने के बाद ही एक विजन था कि एटलीस्ट तो सीनियर लेवल का जो लीग है इसको स्टार्ट करना है, जो एक दो बार हुआ था इसके बाद बंद हुआ है, सो इट हैज़ टू बी स्टार्टेड, मतलब साम हाउ, मतलब स्टार्ट करना ही है। वो विजन लेके मैंने एक दो लोगों से बात करना शुरू किया, क्लब्स से बात करना शुरू किया, वेदर यू आर रेडी टू प्ले और नॉट, यह सब बात करने के बाद बहुत लोगों ने मुझे पॉजिटिव सजेशन दिया और क्लब्स लोगों ने रेडी था खेलने के लिए, और इट वॉज होम ऑन वे बेसिस, तो इट वॉज मतलब कॉस्ट फैक्टर भी था वहाँ पे क्लब के लिए, तो फिर भी दे वर रेडी टू प्ले। सो जो लोगों से रेस्पॉन्स मिला है, जो क्लब से रेस्पॉन्स मिला है, वो मुझे उत्साह किया कि लीग कंप्लीट कर सकता है, और इसी ड्रीम से ही हमने प्लानिंग किया और काम किया, एंड वी कुड मेक इट या ए ग्रैंड सक्सेस, जहाँ पे हमारा चीफ मिनिस्टर भी गया है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी गया है फाइनल में, जो कार्बियांगलोंग में हुआ था। तो सर, सीनियर वुमेंस लीग की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम मेंस के लिए काम करें तो वुमेंस फुटबॉल के लिए भी हम बिल्कुल सोचना चाहिए, तो उसके ऊपर कि वुमेंस फुटबॉल डेवलपमेंट के ऊपर आप किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, आपका मैं तो देखता हूँ कि वुमेन फुटबॉल का बहुत अपॉर्चुनिटी है, या और भी तो हम लोग सोचते हैं कि वुमेन फुटबॉल पहले वर्ल्ड कप खेलेगा, तो इस आधार पे हम लोग काम करना, मतलब हमने विजन देखा है कि रूट लेवल से लेके सीनियर लेवल तक हम लोग काम करना है जी। तो मैंने देखा असम में जो वुमेन का जो सीनियर का लीग है वो नहीं हुआ था जी, एक बार भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस लेवल पे तो काम करना ही चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया सम हाउ वेदर वी कैन फाइंड आउट एटलीस्ट 8 क्लब्स और नॉट, मतलब क्योंकि AIFF रेगुलेशन के हिसाब से आपको मिनिमम क्लब चाहिए होता है, तो मिनिमम गेम्स भी चाहिए होता है, मिनिमम 10 गेम खेलना है एवरी टीम्स को। सो मैंने लोगों से बात किया जो लोग फुटबॉल के लिए इंटरेस्टेड है, तो दे वर रेडी टू फॉर्म वुमेन टीम्स, मतलब तो रेडी हो गया, तो फाइनेंस का तो बात का बात है, पहले तो प्लानिंग चाहिए और काम करने के लिए वो जो उत्साह है वो चाहिए, तो मैंने प्लानिंग करके वो सोचा कि पीपल आर इंटरेस्टेड, तो मैंने तुरंत प्लानिंग किया वुमेन का होना चाहिए। पहले मेरा एक सोच था, तो मैं आई लीग देखता था, तो आई लीग में असम का टीम नहीं है भाई, शिलोंग का एक दो दो टीम रहता है, शिलोंग लाजोंग और एक रहता है, मिजोरम से टीम होता है, और आपका
मणिपुर से दो दो आई लीग खेलता है, तो मैं सोचता था कि असम से क्यों नहीं है। तो इस बार हमने लीग वो होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, तो अभी आई लीग 3 में एंट्री मिल रहा है कार्बी आंगलोंग का एक टीम। अच्छा, तो अभी हमने वुमेन का लीग किया है, तो अभी डायरेक्ट एंट्री मिल रहा है वुमेन जो आई लीग 2 इसमें क्वालिफाई हुआ है एक टीम कोकराझार से। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स ऑफ असम। जो असम का जो प्लेयर है, असम का जो अपकमिंग प्लेयर्स है, उन लोगों के ये एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बन गया। सो हम लोग इस लीग को लीग का जो इम्पोर्टेंस है इसको समझ के लीग कल्चर को बढ़ावा देना है, उसी आधार पे हम लोग काम किया है बोथ इन मेन एंड वुमेन। जी, और सर मैं थोड़ा पर्सनली थोड़ा और जानना चाहूँगा कि जब मैं थोड़ा सा लोकल लोगों से मैंने बातें भी करी तो काफ़ी आइडलाइज किया जाता है आपको, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके को बचपन में फुटबॉल देखते थे या खेलते थे, मतलब कैसी जर्नी रही कैसी आपकी? मैं एक्चुअली फुटबॉल देखता था, खेलता नहीं था। जी, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, तो बिना फुटबॉलर भी जो देखता है वो भी खेलता है। जी बिल्कुल, तो मैं एक मेरा एक सोच है, लोग सोचता है कि फुटबॉल सिर्फ 11 प्लेयर फील्ड में खेलता है। जी नो, मेरा सोच है कि फुटबॉल सभी लोग खेलता है। फुटबॉल जो फील्ड में 11 प्लेयर्स है वो भी खेलता है, जो बेंच में जितना भी वो भी खेलना पड़ेगा, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको भी खेलना पड़ेगा, और ऑडियंस भी आपका फुटबॉल खेलना पड़ेगा, तभी आपका टीम सक्सेस होगा। सभी लोग सेम एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी आपका फुटबॉल सक्सेस होगा। इसी आधार पर मैंने सोचना शुरू किया, और अभी समहाउ आई गॉट इन्वॉल्वमेंट इन ऑल असम फुटबॉल एसोसिएशन, एंड now I am newly inducted in league committee of All India Football Federation. So देखते हैं opportunities को देख के, हमारा वो जो root level का जो setup है इसको देख के हम काम करके जाएंगे। और सर हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा फुटबॉल में इन्वॉल्व नहीं होता है तो ऐसे बड़े पोस्ट पोजिशन पर वो नहीं सोचता उतना आने का, तो मैं आपका एक कारण पूछना चाहूँगा कि सेक्रेटरी क्यों बने आप? क्यों बने हैं, मतलब आपका एक बात है कि मुझे जहाँ भी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा मैं वो काम करके दिखाएगा। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिकल में बदल देता हूँ, अदरवाइज जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मैं चेयर में बैठेगा बात करता रहेगा, वो तो काम नहीं होगा। सो मैं इसीलिए आया हूँ कि हम थोड़ा असम को आगे लेके जा पाए। अभी आपने पूछा था कि सीनियर का जो प्रीमियर लीग और वुमेन का लीग, ये तो रियलिटी में हो पाया ना। सो दैट्स माय विजन, मतलब असम का फुटबॉल को आगे लेके जाने के लिए, नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो हमारा असम का उभरता हुआ जो अपकमिंग टैलेंट्स है। और सर जैसे हम जब इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लैक हम कर रहे हैं कि यूथ फुटबॉल, और जैसा पोटेंशियल असम में, तो स्वाभाविक सी बात अगर यहाँ पे वर्क हो तो यही सवाल आपसे यही है कि यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए असम जो है क्या स्टेप्स ले रहा है, और अभी जो आपने लीग भी कराई थी तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिला? अभी देखिए यूथ लीग जो होता है इंडिया लेवल पर होता है जी, तो इस लीग में असम का लाइक प्रीमियर लीग वाला जो आई लीग वाला, इसमें भी टीम नहीं था, तो नेशनल लेवल में अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 जो यूथ लीग है इसमें भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने लीग नहीं किया है एज पर IFFF गाइडलाइंस। तो हमने अभी अंडर 17 लीग किया यूथ लीग, अंडर 15 किया यूथ लीग, अंडर 13 यूथ लीग हमने किया, ऑल एज पर द कॉम्प्लायंस ऑफ IFFF गाइडलाइंस। सो अभी हरिसिंगा से एक छोटा सा क्लब है, हरिसिंगा टाउन क्लब बोल के, उन लोगों ने अभी नेशनल लेवल का जो यूथ लीग है इसमें खेलने का मौका मिला। दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर द अपकमिंग यूथ ना,
वो जो लोकल का जो टैलेंट है उन लोग नेशनल लेवल का लीग खेलने के लिए मिल रहा है। तो इन लोगों ने तो शिलोंग लाजोंग को एक बार हराया भी है। इट्स अ ग्रेट एनकरेजमेंट फॉर द अपकमिंग यूथ्स नो। अभी अंडर 15 का जो नुमलीगर रिफाइनरी लिमिटेड जो का एकेडमी है उन लोगों ने क्वालिफाई किया है। दे विल प्ले अंडर 15 नेशनल लेवल लीग। और अंडर 13 का एक क्लब है अपर आसाम का, उन लोगों ने क्वालिफाई किया है तो दे विल कॉम्पीट इन अंडर 13 नेशनल लेवल लीग। सो सभी कैटेगरी में अभी आसाम से लीग में जो इंडिया का नेशनल लेवल का लीग है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। देन इससे मैं सोचता हूँ कि ये अपकमिंग यूथ के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और सर क्या जैसे बॉयज़ के लिए तो यूथ डेवलपमेंट में हो रहा है तो क्या गर्ल्स के लिए भी आप सोच रहे हैं? गर्ल्स के लिए भी हम सोच रहे हैं। अभी खेलो इंडिया का जो मैक्सिमम गेम्स है गर्ल्स का, खेलो इंडिया गर्ल्स का जो मैक्सिमम टीम है अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, ये सब हमने ऑर्गेनाइज किया है। कोकराझार में किया है, गुवाहाटी में किया है, जोरहाट में किया है, सारा आसाम को कवर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल राउंड जो रूट में जितना भी काम करना चाहिए इसको हम लोग कर रहे हैं। और फ्यूचर जो दूर का जो विजन है ना इसको लेके हम लोग पूरा ग्राउंड में काम करने के लिए निकल गया है। चलिए सर बहुत ही अच्छी बात है तो कि आप ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और सर हम संतोष ट्रॉफी की तरफ मैं जाना चाहूँगा बिकॉज क्वालिफाई किया इस बार फाइनल राउंड। तो अगर हम लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस देखते हैं बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा था ऑनेस्टली, लेकिन इस सीजन एक सडनली ऐसा चेंज आता है कि आप एकदम टॉप, तो ये चेंज कैसे किया है? ये चेंज मतलब मैं आने के बाद ही एक सर्वे किया जी, कौन कहाँ पे क्या कौन सा क्लब से परफॉर्म कर रहे हैं प्लेयर्स लोग। और मैंने सोचा हमको ए लाइसेंस होल्डर कोच को हमको चाहिए, एक जो यूथ है, एक जो यंग कोच है जो एनकरेजमेंट दे सकता है, जो जोश ला सकता है टीम में, इसको ढूंढना हमने मिला। शुभम रावा बोल के जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में कोच है उसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से मांग के लेके आया हमने तो उन लोग दे दिया। तो ही इज कोचिंग दैट वन, जो उसने हर एक लेवल पे मतलब टीम में बदलाव लेके आया। और जो जितना भी सीनियर प्लेयर्स था डिफरेंट डिफरेंट क्लब में जो खेल रहा था उन लोगों को मैंने पर्सनली इनवाइट किया, आप लोग आ जाओ भाई आसाम के लिए खेलो। इस बार तो हमने आईएसएल प्लेयर प्रज्ञान गोगोई को भी लेके आया, सो ही इज देयर इन द टीम। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। वी आर इन ए वेरी वेरी टफ ग्रुप जहाँ पे सर्विसेस है, केरला है और मेघालय है, इस ग्रुप में है हम लोग। सो लेकिन उन लोगों का बड़ा नाम है, हम लोग का छोटा नाम है, फिर भी वी आर गोइंग टू कम्पीट विद देम। रियली आई होप कि अच्छा ही करे असम टीम क्योंकि मोटिवेट करेगा। थैंक यू। और सर मैंने एक इंटरेस्टिंग बात सुनी है कि बोल बीच सॉकर होने वाला है, जबकि बीच सॉकर हम देखते हैं समुद्र होता है, सी होता है, वहाँ होता है, लेकिन सुना है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो होने वाला है, तो ये सर सच में होने वाला है? सच में होने वाला है, जो मैं बोलेगा वो होगा जी, जो बोलेगा वो होगा ही। अभी बीच सॉकर हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें डीप जैसा है जहाँ पे बीच जैसा सेंट वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे बीच सॉकर होने वाला है, मार्च में होगा। तो यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, आप आइए वहाँ पे देखिए, थोड़ा पब्लिसिटी कीजिए। जी जी और सर अभी हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर असम फुटबॉलर्स, अभी केवल एक ही है, तो क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भविष्य में आई लीग टीम हो, एक यहाँ से एक IWL टीम हो, मतलब परमानेंट बेसिस पे, तो ऐसा सोच रहे हैं आपके विजन में? अभी हम लोग पूरा दिखाना पड़ेगा जब हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे मुंह से बोलने से तो नहीं होगा। हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, स्पॉन्सर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी फुटबॉल आगे जा पाएगा। तो अभी देखिए ये जो आई लीग का बात है जो टायर 3 सिटी वाला है उन लोग को 1 करोड़ समथिंग देके यू कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली, वो एक रास्ता है। और एक रास्ता है आप आई लीग 3 से क्वालिफाई होके आई लीग 2 और उसके बाद आई लीग जी। सो ये काफ़ी टाइम लगता है। वन थिंग इज दैट आप इसको डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए एक इन्वेस्टर का ज़रूरत है। सो वी आर अप्रोचिंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज, आई मीन द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन लोगों को हमने अप्रोच कर रहे हैं जो लोग फुटबॉल में इंटरेस्टेड है और जो लोग फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। सो वी आर गेटिंग फीडबैक, क्वाइट गुड फीडबैक फ्रॉम सम ऑफ द बिजनेसमैन। सो देखते हैं कि इन कमिंग ईयर्स हम आई लीग में परमानेंट टीम मिलेगा आसाम से।
वी आर होपफुल आई होप सो और सर एक चीज अभी हमने और नोटिस करी कि असम फुटबॉल जो है रेफरी एजुकेशन कोच एजुकेशन पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं तो और मैं आगे एक और ऐड करना चाहूंगा कि जो यंग फुटबॉलर्स भी है फ्यूचर में क्या होता है सर कि जो फुटबॉलर्स होते हैं क्योंकि अपने एक इंडियन मेंटेलिटी भी है कि जॉब चाहिए तो क्या आप कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि जो यंग फुटबॉलर्स क्योंकि हर कोई सर मतलब आईएसएल में नहीं पहुंच पाता तो ऐसे प्लेयर्स को जॉब मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे आए ऐसा कुछ अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है जी. जो लोग नेशनल खेलेगा चैंपियन होगा तो आपको जो पता ही है वो स्पोर्ट्स पॉलिसी में है ही जो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का लीडिंग जो गवर्नमेंट है असम में उस स्पोर्ट्स को काफ़ी मतलब वो डेवलपमेंट के लिए उन लोगों का वो एंगेजमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी मतलब सुविधा दे रहे हैं तो इसके हिसाब से आप देखा जाए तो पॉसिबिलिटीज मतलब एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा है असम में क्योंकि बहुत लोगों ने जो मेडल जीत के आया है नेशनल रिप्रेजेंट करके आया है उन लोगों ने असम में जॉब मिला है जी. तो देयर इज नो आई मीन आप स्कोप नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता है जो लोग अच्छा खेलता है अभी वेल में देखिए बहुत लड़का लोग एंगेज होके रखा है जो लोग हार्डवर्क किया है अभी आप देखिए रेलवे में देखिए बहुत लोग एंगेज होके रखा है अब एजीए देखिए अकाउंटेंट जनरल इसमें भी बहुत लोग एंगेज होके रखा है तो जो लोग अच्छा करता है जो लोग हार्डवर्क करता है जो लोग हार्ड प्रैक्टिस करता है उन लोगों के लिए जॉब मतलब असम में वो नहीं है मतलब प्रॉब्लम नहीं है और फिलहाल का सरकार तो आप मानना ही पड़ेगा क्योंकि दे आर डूइंग क्वाइट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन असम तो अभी देखो मैंने तो दूसरा स्टेट में नहीं देखा इसमें देखा खेल महारण हुआ है खेल महारण पूरा गांव पंचायत गांव लेवल से फुटबॉल और अदर डिसिप्लिन का खेल भी गांव लेवल से होके आपका स्टेट लेवल तक हुआ है खेल महारण ईच एंड एवरी विलेज पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट तो इसमें जो हिडन टैलेंट है ना इसको वो आइडेंटिफाई करने के लिए काम किया है दैट इज अ ग्रेट स्टेप आई हैव नॉट सीन इन अदर स्टेट तो फुटबॉल एलोंग विद अदर स्पोर्ट्स असम में अभी फिलहाल का सरकार बहुत काम कर रहा है तो वी हैव टू अप्रिशिएट इट. हाँ सर अभी आपने चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट की बात करी है तो क्या फ्यूचर में असम एफ एंड गवर्नमेंट को साथ में काम करते हुए देखेंगे? डेफिनेटली क्योंकि हम लोग पहले दिखाना पड़ेगा विश्वास लाना पड़ेगा इस कमिटी इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम कर रहा है अदरवाइज आप बिना काम करे आप पैसा मांगने के लिए जाएगा कहीं थोड़ी ना देगा उन लोग तो वी हैव टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इस साल में तो हम एक भी पैसा नहीं मांगेगा नेक्स्ट ईयर हम लोग मांगेगा क्योंकि हम इस साल पूरा काम करके दिखाएगा विल शो कि दिस कमिटी इज कैपेबल ऑफ वर्क मतलब दिस कमिटी इज कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनी काइंड ऑफ टूर्नामेंट एनी काइंड ऑफ इवेंट्स वो हम लोग दिखाना चाहते हैं इस साल नेक्स्ट साल से हम स्टेट से पैसा मांगना शुरू करेंगे कि हम लोग ये करना चाहते हैं ये करना चाहते हैं अच्छा काम के लिए और आपको एक बार मैं बता दूँ कि लास्ट टाइम ये जो प्रेजेंट का सरकार है नेहरू स्टेडियम आपको पता होगा गुवाहाटी में वो पूरा डिसमेंटल करके अभी फुल प्लेजर इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर फुटबॉल इंडिया में तो कहीं पे भी नहीं है जी. आप स्टेडियम देखेगा इसमें ट्रैक है है कि नहीं लेकिन दैट विल बी लाइक यूरोपियन स्टाइल आपका एक्सक्लूसिवली 30,000 सीटिंग कैपेसिटी आपका ये फुटबॉल के लिए होगा इट्स अ ग्रेट थिंग है कि नहीं ये फैसिलिटीज बना रहा है तो ये सबको देखा जाए तो सब लोग इन्वॉल्व होना है फुटबॉल पे फ्यूचर है जी या और सर जैसे अभी आपने कहा कि हम जिस तरीके से फुटबॉल के लिए काम करेंगे तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपके नेक्स्ट 5 साल का एक विजन बनाया होगा आपने उसमें क्या मेन मुद्दों पर फोकस करने वाले हैं? एक नंबर तो हम लोग यूथ डेवलपमेंट में फोकस करना है जी आज का यूथ है कल का फ्यूचर जी तो यूथ में हम लोग फोकस कर रहे हैं बोथ वुमेन एंड मैन दोनों में बेबी लीग से लेके आपका ब्लू कप से लेके पूरा एस कैटेगरी में हम लोग काम करने के लिए प्लानिंग किया है एक
साथ ही साथ सीनियर टीम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सीनियर टीम का भी हम लोग सोच रहे कि कैसा अपग्रेड किया जाए फैसिलिटीज। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं अभी गुवाहाटी में हमारा एक जमीन है जहाँ पे हम लोग एक रेसिडेंशियल फैसिलिटीज बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपको फुल टाइम प्रैक्टिस करना है तो रेसिडेंशियल फैसिलिटी चाहिए होता है आपको। सो इस लेवल पे हमने काम करना शुरू किया। और अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा लोग स्कूल में होता है जी। बच्चा लोग तो स्कूल से गुवाहाटी में जो मेजर स्कूल से इन लोगों से हम लोग टाई अप करना शुरू कर दिया। वी आर अप्रोचिंग दैट स्कूल्स, वहाँ पर फुटबॉल होना है और वी आर गेटिंग वेरी वेरी पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्कूल्स। अगर स्कूल्स में हम लोग फुटबॉल स्टार्ट कर सकेगा तो देखिए वो अलग सा लेवल में चला जाएगा। तो वी आर फोकसिंग ऑन द स्कूल्स एंड अदर यूथ फैसिलिटीज। जी स्कूल से हम लोग टाइप करना चाहते हैं तो दे आर ऑल्सो कमिंग टू टाइप विद अस। ओके। और सर जब अभी हमने बात करी कि आपने कहा कि अभी फंड अभी नहीं है अपने पास, ज़्यादा टॉप अथॉरिटीज़ भी उतना नहीं देती है कि हम पूरे स्टेट के लिए काम कर पाएँ, तो अगर प्राइवेट कंपनीज़ आपके साथ जुड़ना चाहें तो आप उनको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे? अभी देखिए फंड तो एकदम से जब हम आया था ऑलमोस्ट जीरो आप बोल सकते हैं जी। लेकिन आने के बाद है मैंने NRL को अप्रोच किया था, नुमलीगर रिफाइनरी लिमिटेड जी। उन लोगों ने भी फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया है, उन लोगों का एकेडमी भी है। तो मैंने मिला है एक सुदीप प्रधान बोल के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है NRL का, तो आप लोग स्पॉन्सर कर सकता है क्या? तो इन्होंने फर्स्ट अप्रोच में ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। उसके बाद MD है मैनेजिंग डायरेक्टर जो भास्कर पुकोन बोल के है वहाँ पे MD, वो इनको भी मिला हमने गुवाहाटी में। तो ही इज़ वेरी स्पोर्ट्स लविंग पर्सन एंड ए ग्रेट जेंटलमैन। तो उन्होंने भी रेस्पॉन्स करके बोला कि हाँ हम करेंगे। तो फर्स्ट मीटिंग में ही उन लोगों ने हमको 20 लाख का स्पॉन्सर किया है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो हम लोग NRL को धन्यवाद देना पड़ेगा क्योंकि दे हैव कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट अस। सो ऐसे ही हम लोग इन्वाइट करते हैं कम अप एंड सपोर्ट द फॉर द ग्रेटर एंट्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन आसाम। और क्योंकि फुटबॉल ही ऐसा गेम है आसाम में जहाँ पे हर गांव जुड़ा हुआ होता है जी। क्रिकेट इतना गांव में नहीं खेलता है जी, टाउन में सिटी में हम लोग देखते हैं, लेकिन फुटबॉल गांव में जुड़ा हुआ होता है। तो लेट अस डेवलप दैट गेम जो हमारा लोकल लोग प्यार करता है, लाभ करता है और खेलने के लिए मतलब ऐसे मजा आता है खेलने के लिए। मे नॉट बी प्रोफेशनली लेकिन गांव में खेलने के लिए मतलब अच्छा लगता है लोगों को। और हम लोग का क्या है लोकल में सब किसी रायोट होता था जी। सपोज एक कम्युनिटी के साथ रायोट हुआ है तो इसको इस दोनों गोट के अंदर में को एग्जिस्टेंस पीसफुल लाने के लिए फ्रेंडली मैच खेला होता था। तो ये फुटबॉल मतलब ओनली प्रोफेशनलिज्म में नहीं देखना है, इस जो फ्रेंडशिप या पीस बिल्डिंग इस लेवल पे भी देखना है। तो लेट्स से फुटबॉल इज फॉर ऑल यू कैन से। और सर जैसे अभी जैसे आपका विजन हमने जान लिया और क्या आप करोगे पता चल गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि असम का अगर एक बच्चा सोचे कि मुझे फुटबॉलर बनना है तो क्या इस ड्रीम को पूरा कर पाएगा आपके जो विजन उसके अंदर? डेफिनेटली अगर ही इज अ डिटरमाइंड पर्सन डेफिनेटली ही विल। अभी निकल के आ रहे हैं आपका पार्टिव गोगोई का नाम सुना होगा, सो ही इज इमर्जिंग टैलेंट नाउ। कोलीसरन का नाम सुना होगा, ही इज इन बेंगलुरु FC। दुर्गा बोरो का नाम सुना होगा, पहले ही इज एस्टैब्लिश्ड इन AG नाउ। आपका विनीत राय का नाम सुना होगा जो मुंबई सिटी FC। दे आर ऑल फ्रॉम इंटीरियर प्लेसेस ना, बहुत इंटीरियर गांव से उन लोग आया हुआ है। तो दे आर सेटल्ड नाउ, सेल्फ रिलायंस है, किसी से भी मांगना नहीं पड़ रहा है, खुद कमा रहा है, फुटबॉल खेल के ही तो कमा रहा है। तो अगर एक व्यक्ति अगर फुटबॉलर बनना है, अगर वो डिटरमाइन है तो वो सक्सेस होगा ही, बट ही हैज वो दिमाग में उसका डिटरमाइन होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली विल सक्सेस जैसे भी हो। बिल्कुल नो ऑब्स्टेकल्स कैन स्टॉप हिम।
तो ये आई होप कि ये शब्द जो है हमारे जितने भी प्लेयर्स को समझ पाएंगे. एंड सर एक यूथ आर द पावर ऑफ मतलब हमारी कंट्री के, तो उनके लिए अगर एक मैसेज आप देना चाहें कुछ भी. आपका इंडिया में, इंडिया इज द कंट्री जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ्स है वर्ल्ड में. सो यूथ जो पावर है इंडिया का वर्ल्ड में नंबर वन है. तो आज का जो इंडिया है, इस इंडिया को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, आज का यूथ ही है. तो इस यूथ को गलत रास्ता में ना जाए, सही रास्ता में लेके जाना है. और स्पोर्ट्स ही ऐसा माध्यम है जो गलत रास्ता से हटा के राइट ट्रैक में लेके जाके इंडिया को एक डेवलप नेशन बना सकता है. सो अभी बहुत जगह में देखा जाता है कि लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है, सब इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. अगर इन सब चीज़ों से उन लोगों के लोगों को इन सब गलत रास्ता से हटा के अगर राइट ट्रैक में लाना है तो ओनली वे इज स्पोर्ट्स. करेक्ट. स्पोर्ट्स में अगर लोग इन्वॉल्व होगा तो इन गलत रास्तों में लोग नहीं जाएगा. इट इज़ माई मैसेज. और हम सब ऐसे सोसाइटी, ऐसे कॉरपोरेट, ऐसे स्पोर्ट्स लवर्स, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होना है, तभी हम लोग डेवलप नेशन एज ए होल. मैं बोल रहा हूँ डेवलप नेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ मनी. यही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता है. अब ओवरऑल अगर डेवलपमेंट बोले तो, कंप्लीट डेवलपमेंट आप बोले तो इसका होगा आप सोसाइटी में डेवलप है, आपका सोसाइटी मतलब बिहेवियर से लेके योर सोसाइटी इज क्लीन फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, क्लीन फ्रॉम क्राइम, एवरीथिंग. सो इसको ही हम लोग मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट बोल सकता है. जी सर, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने एक्चुअली में, बिकॉज हमारे यूथ गलत डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. एंड सर एक अगर आप आपके जो एक रीजनल लैंग्वेज जो असम के लोग समझते हैं उस क्षेत्रीय भाषा में अगर कुछ भी बोलना चाहें जो वो सुनकर शायद कुछ उनको मोटिवेशन मिले, कुछ भी आपकी भाषा में. सबे स्पोर्ट्स फुटबॉल भल पाए, सबे आहक खेलिबले, फुटबॉल खेलक, फुटबॉल ফুটবল অসমৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মনত আছে. সো সবকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ ফুটবল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সবে কাম কৰিব. सर बहुत 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 धन्यवाद. और सर थैंक यू सो मच, आपने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई. और एक बार आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं सेक्रेटरी बनने के बाद ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से एक मेल आया था तो रिगार्डिंग होस्टिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 एंड एएफसी कप क्वालिफायर 2027. सो तुरंत मैंने एक सेकेंड भी नहीं लगा सोचने के लिए कि डायरेक्ट बीट कर दिया. आई हैव टू होस्ट इट इन गुवाहाटी. सो 26 मार्च को है जी. इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप कम एएफसी कप ज्वाइंट क्वालिफायर्स एट गुवाहाटी 26 मार्च. यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड एंड एवरीवन इज इन्वाइटेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इंडिया. पूरा स्टेडियम भरना है. बिल्कुल सर भरेंगे. 30,000 कैपेसिटी है जी. हरु हो जाए स्टेडियम, पूरा पैक करना है जी. सर सर हम बिल्कुल आने वाले हैं. और थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया सर. और मैं ये भी कहना चाहूँगा सर, आप पहले स्टेट एफ ए के एक ऑफिशियल हैं जो इतना खुलकर जो है वो पब्लिक फोरम पे बोल रहे हैं. तो थैंक यू सो मच आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी. आई होप कि जो यूथ है एंड प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं, रेफरीज हैं, जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं वो कुछ पॉजिटिव इस चीज़ को लेंगे एंड असम फुटबॉल आई होप ग्रो करें. तो थैंक यू सो मच आपके वक्त. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. धन्यवाद. और आपका यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फुटबॉल. और आप सही को सही, गलत को गलत बोलते रहे और जजमेंट देते रहे. सो वी लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू.